सोच रहा था कि 10 बजे तक तैयार होके एडवांस स्टडी की तरफ। एडवांस स्टडीज, पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, टूरिस्ट कम स्कॉलर्स प्लेस ज्यादा। वैसे स्टोन प्लेट से पढ़ना किसी टास्क से कम नहीं है, तो जैसा कि हर टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए टिकट लगती है, यहाँ पर भी टिकट लगती है, तो चलो टिकट ले लेते हैं। लेकिन पहले एडवांस स्टडीज के थोड़े से दर्शन कर लेते हैं। ये गेट याद है? हाँ, टिकट्स यहाँ से नहीं मिलती, उसके लिए ऊपर जाना पड़ता है। ये वो जगह है जहां से टिकट्स मिलती हैं। तो टिकट्स लेने के बाद लोग लाइन लगा के एडवांस स्टडीज के अंदर जाते हैं। 200 रुपए की टिकट होती है अगर आप गार्डन और एडवांस स्टडीज को अंदर से देखना चाहते हैं, तो वो भी मास्क लगा के। अंदर जाने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। वैसे एडवांस स्टडीज जितनी ही खूबसूरत अंदर से है, उतनी ही खूबसूरत बाहर से भी है, तो चलो गार्डन चलते हैं। ये जो खूबसूरत गार्डन आप देख रहे हैं, ये आप 30 रुपए में भी देख सकते हैं, यानी आउटसाइड एरिया ऑफ एडवांस स्टडीज के सिर्फ 30 रुपए और अंदर देखने के 200 रुपए। सन 1888 में एडवांस स्टडीज बनकर तैयार हो गया था। आजादी से पहले ये उस टाइम के वाइसरॉय यानी कि डेप्यूटी राजा लॉर्ड डफरिन का घर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद ये बन गया राष्ट्रपति निवास। इसके बाद में सन 1964 में डॉक्टर सर्वापल्ली राधाकृष्णन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को परिवर्तित कर दिया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और अब यहाँ सिर्फ स्कॉलर्स पढ़ने आते हैं जिन्होंने PhD की हुई है ऑलरेडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, तो अंदर की रिकॉर्डिंग्स तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने चुपके से अंदर की कुछ छोटी छोटी वीडियोस बना ली। ये वो गार्डन है जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को चलना अलाउड ही नहीं है, और यहाँ पर कुछ एरिया कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक के लिए नो एंट्री है, वहां पे कोई भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट स्कॉलर्स। तो पानी और खाने की तलाश में अपना टूर खत्म करते हुए मैं बाहर आ गया। तो ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि 1888 में कंप्लीट हो गया था। वैसे तो किसी ब्रिटिश राजा के लिए बना था, लेकिन उसके बाद जब इंडियन गवर्नमेंट आई और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कुछ पोटेंशियल देखा इस बिल्डिंग में, तो इन्होंने इस बिल्डिंग को पूरी बुक से भर दिया, और अब यहाँ पर स्कॉलर्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं जो कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में ऑलरेडी PhD होते हैं। ये सिर्फ उनके लिए ही एडवांस स्टडीज ओपन रहता है, और बाकी जो गाइड हमें गाइड करता है कि जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनको थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, बट इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए नॉर्मल पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ स्कॉलर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सेस सिर्फ स्कॉलर्स के लिए है, और दूसरी टेक्नोलॉजी है PCs हैं, उनका एक्सेस सिर्फ स्कॉलर्स के पास रहता है। प्लस 1888 के बाद से और उससे पहले से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी थी वो अभी तक एकदम सही सलामत पड़ी हुई हैं। और रही बात वहाँ की इंटीरियर की, जो पुराना इंटीरियर ब्रिटिश टाइम के टाइम पे इंटीरियर हुआ करता था, वही इंटीरियर अभी भी वहाँ पे एकदम सही सलामत है। बस यही है कि वहाँ पे हमें बैठने नहीं दिया जाता, नहीं तो हम भी थोड़ी बहुत राजा महाराजा की फील ले लेते। वो फ़ोन नहीं होता वो घुमाने वाला एकदम, वैसा फ़ोन भी वहाँ एकदम सही सलामत रखा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं करता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब से करीब 185 ईयर्स ओल्ड पुरानी घड़ी वहाँ पर अभी भी लगी हुई है, वॉल क्लॉक, जिसका पेंडुलम अभी भी काम कर रहा है, जो घड़ी अभी भी काम कर रही है वो भी एकदम सही सलामत है। तो ये पूरा टूर हमने अभी एडवांस स्टडीज का किया। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैं चुपके से एक दो फोटोज ले ली हूँ मैं भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट फीचर में। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।